बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान महबूब। और मोहतरम नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट बने हैं वो आगा शहजाद आमिर साहब और चिश्तियाँ की एक मशहूर पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड। इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी खूबसूरत स्पोर्ट्स के लिए, और उसके बाद इनकी सोशल लाइफ भी, वो भी एक खूबसूरत लाइफ है। रमज़ान जानी साहब, मशहूर और मारूफ रमज़ान जानी साहब, उनके बरपुरदार उनके साथ हैं मोहम्मद तराब, और हमारे साथ बाबर शहजाद गुल साहब, वो हैं। आज बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करेंगे इन जो हमारे चीज़ें की खूबसूरत पर्सनालिटी रमज़ान जानी साहब से स्टार्ट करेंगे। और रमज़ान जानी साहब कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सेहत तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। ये तो आपकी आला ज़र्फ़ी है कि मुझे यहाँ पर खिदमत का मौका दिया, ताकि हम कायरीन को अपना एक नया वर्जन दिखा सकें। नाज़रीन से मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि रमज़ान जानी साहब माशाल्लाह अदब से रिलेटेड जो गुफ्तगू है इनको अबूर हासिल है, और उनके बरपुरदार भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं माशाल्लाह। तो अदब से स्टार्ट करेंगे, और अदब से स्टार्ट करते हुए फिर इंशाल्लाह ताला क्रिकेट, और क्रिकेट से फिर इनकी सोशल लाइफ और हल्की फुल्की गपशप होगी। बाबर साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और ईमानदारी वाली बात है कि अगर मेरा बाजू इनसे टच हो जाएगा तो यकीन कर लो मैं शौक में चला जाऊँगा। जी बाबर भाई, थैंक यू वेरी मच। रिजवान भाई, रमज़ान जानी साहब, आपको बताते चलें कि ये पंजाबी के बहुत अच्छे शायर हैं, और माजी की क्रिकेट के आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर थे, और फिर ये इंसान बहुत अच्छे हैं। उनके साथ आगा साहब बैठे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छे इंसान हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में ऐसी शख्सियात जो कि तशरीफ़ लाई है, तो इंशाल्लाह आप इनकी बातों से बहुत ज़्यादा टेस्ट लेंगे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो ये माइक मैं रिजवान भाई के सुपुर्द कर दूँ, ताकि इनसे को बातचीत का सिलसिला बढ़ाया जाए। जी आगा भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है। आप आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं लाइफ की? क्रिकेट से हटके आप तो अब क्रिकेट को छोड़ चुके हो। जी जी। तो ज़िंदगी में क्या मसरूफियात हैं? बस सर, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो जॉब से घर, घर से जॉब, बस क्रिकेट जैसे छोड़ी है बस वैसे बंदा वो क्या कहते हैं कि बेदिल सा हो गया है, डिसहार्ट हो गया सर। वैसे वो क्रिकेट रही भी नहीं है अब, क्रिकेट में और कुछ जो है ना वो पर्सनैलिटियाँ आ चुकी हैं, इन्वॉल्व हो चुकी हैं, और क्रिकेट जो है उसको मैं बड़ा सख्त सा वर्ड है मुनाफ़कर, जी जी, वो इस्तेमाल हो रही है, वो यानी कि यूज़ करके लोगों का यूज़ करके, और क्रिकेट जो है ना वो उसको उसका रंग ही चेंज कर दिया। सर एक तो ये मोबाइल है सर, ये बड़ा इशू है, ठीक है, इन्होंने जो इन्वायरमेंट है बच्चों को वो सारी मसल डिग्रेड कर दिया है। एक तो हमारे पास ग्राउंड नहीं है, ठीक है, जहाँ पर हम क्रिकेट खेल सकें। हमारे जो बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल है, ये ऐसा वायरस है कि ये इनको अंदर अंदर से खाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए बड़ी तफ्तीशनाक बात है कि ये हमारे बच्चे जो हैं ये उस चीज़ से जो होनी चाहिए ना, कि बंदे के पास जो ये जैसा कि आपको पता है फिटनेस होते ना, ये स्पोर्ट्स एक फिटनेस है, ठीक है, अगर आप इसके साथ कैच रहेंगे तो आप फिज़िकल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अगर इनसे आप दूर हटेंगे, अगर कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में आप जाएंगे तो ये हमारे लिए बायस शर्मिंदगी और बायस नुकसान है। हमारी जो यंग जनरेशन जो आने वाली है, ये इनके लिए बहुत बड़ा नहीं, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने यंग जनरेशन की। जानी भाई माशाल्लाह, जब आपने क्रिकेट शुरू की, जी जी, तो मतलब हम लोग जो है वो मतलब आपको पानी शानी बैट वगैरह उठा कर देने वालों में से थे। जी जी। और जितनी भी क्रिकेट की शॉर्ट क्रिकेट खेली आपने और खूबसूरत क्रिकेट खेली, उस क्रिकेट और इस क्रिकेट के बारे में डिफरेंस क्या है? पहले जो हमारा दौर था उसमें क्रिकेट जो है वो इंटरटेनमेंट भी थी, फ्रेशमेंट भी थी, और इसके अलावा भी इसकी बहुत सी मराहत थी। लेकिन मौजूदा दौर में जो बच्चे हैं वो क्रिकेट को उसने शोबज़ की दुनिया में ले गए हैं। क्रिकेट जो है वो एक शो पीस के तौर पे पेश की जा रही है। दूसरे नंबर पे ये जो टेप बॉल है, इसने हमें बहुत डिसहार्ट किया है, जो टैलेंट है हमारा वो मांद पड़ गया है। अगर दोबारा ग्राउंड को इंट्रोड्यूस करना है तो हमें जो क्लासिक क्रिकेट है उसको एक बार फिर इंट्रोड्यूस करना होगा। मोहम्मद राब, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। तो मतलब अदब से रिलेटेड, मतलब बाला साहब के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश जारी? जी। तो कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं क्रिकेट के बारे में बताना चाहूँगा कि अब जो क्रिकेट है वो किसी काम की नहीं रही। जो बड़े थे वो उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, मगर अब जो छोटे हैं उनके लिए ना कोई ग्राउंड बचे हैं और ना ही कोई अच्छे इलाके वगैरह रहे हैं ताकि वहाँ पर कोई बच्चे सहूलत के साथ खेल सकें। इस वजह से जो टेबल है ये तो बच्चों की सारी गेम को ख़त्म कर रही है,
हमें चाहिए या हार्ड बॉल या प्रैक्टिस बॉल के साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और आगे बढ़ के अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। बहुत अच्छी बात, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और अल्लाह ताला आपकी जैसी सोच हर आने वाली जो यंग बच्चे हैं उनकी आपकी जैसी सोच है। हमेशा तनकीद को मद्देनज़र रखता है और तनकीद मैं अपनी ज़ात पे करता हूँ क्योंकि अपनी ज़ात की मुनाफी में इंसानियत जो है वो उभर कर सामने आती है। पंजाबी में मैंने लिखा कि इश्क दी मुक्कल मारी फिरदा अपनी आप बगाड़ी फिरदा फुलां वर्गी जिंदड़ी तेरी सोलां उत्ते चाड़ी फिरदा होर नालों ओ सोहनी तां नहीं जिन्हों मन विच वाड़ी फिरदा तैनू वेख के मुंडे खुंडे फैशन करदे सी रमज़ान की होया तैनू तू अपने कपड़े पाड़ी फिरदा। क्या बात पर भाई, इसके ये पंजाबी का जो इन्होंने एक खूबसूरत गंद आपके सामने पेश किया, इसके बारे में आपके कुछ वर्ड सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप भी पंजाबी से माशाल्लाह जो है लुभाते हैं पंजाबी में लोगों को और माशाल्लाह आपकी पंजाबी, आपकी उर्दू, आपकी इंग्लिश माशाल्लाह, क्योंकि आपने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से जो PhD की है उसके बाद तो माशाल्लाह आपको तकरीबन 72 जबानों पर अबूर हासिल है और चिश्तियाँ के जितने भी महकमे हैं उन पे भी अबूर हासिल है, लेकिन स्पेशली बल्दिया पे। मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी, आप बहुत अच्छा आपने मेरा तारफ़ करवाया, बल्दिया वाला बहुत अच्छा तारफ़ करवाया, हालांकि बल्दिया के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं है। मैं एक दो बार आगे से गुजरा हूँ, शायद लोगों के जहन में हो गई ये वहाँ पे काम करता है। मैंने वो मेरे यही जुर्म है ना कि ट्राली को हाथ लगा दिया था मैंने, शायद लोगों ने समझा कि ये ट्राली के अंदर कूड़ा फेंक रहे हैं। हकीकत वाली बात है कि मैंने ट्राली को सिर्फ हाथ लगाया और काफ़ी दोस्त ये समझ रहे हैं कि शायद बाबर ये ट्राली के साथ काम करते हैं, मेरा ट्राली के साथ कोई तल्लक नहीं। उस दिन जिस दिन आपने ट्राली को हाथ लगाया था उसमें था कूड़ा और जो देखने वाले लोग थे वो ये सोच रहे थे कि आप कूड़ा खरीद रहे हो। नहीं नहीं, खरीद नहीं रहा, मेरे हाथ से ना वो शापर गिर गया था, मैं घुमा रहा था शापर और मेरे हाथ से शापर है ना जो वो ट्राली में गिर गया था और मैं तो वो शापर उठाने के लिए गया था और वहाँ पे चंद लोग खड़े हुए थे, वो कह रहे थे शायद ये बाबर ट्राली के साथ काम करता है। अच्छा। और मेरा उसके साथ, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मेरा ट्राली के साथ कोई तल्लक नहीं है, ये मेरे खिलाफ जो प्रोपोगंडा है ये हमारे शरीक लोग हैं ये प्रोपोगंडा उठा रहे हैं। आपने भी कह दिया कि जी आपका वो बल्दिया के साथ कोई तल्लक। पिछले दिनों न्यूज़ में आपकी आपके बारे में रिपोर्ट जो न्यूज़ चल रही थी उसमें लिखा गया था, एक तो आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि मैं कसम उठाता हूँ, आप सबसे पहले ये बताएं आप कसम जो है वो मतलब अपने ही मतलब मज़हब से उठाएंगे, जाहिर बात है ना। सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपके थोड़ा सा आपको ये डाउट में निकाल दूँ आपके जहन में से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, आप मुझसे सूरत सुन सकते हैं, कोई भी आप सूरत मुझसे सुन सकते हैं, सूरत बकरा सुन सकते हैं, सूरत वन्नास सुन सकते हैं, कुल हुवल्लाह सुन सकते हैं। ये कलर के हैं ना जो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, काले रंग के हैं ना जो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। अगर आप किसी आउट कंट्री में चले जाएंगे तो पहले तो आपको गौर से देखेंगे कि यार ये काला सा लड़का है, ये किसी चीज़ को हाथ ना लगा दे, ये काले रंग को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो इसलिए आप मेहरबानी किया करें, आप ये स्कैंडल वगैरह से थोड़ा सा गुरेज किया करें। मुझे बहुत लोग जानते हैं कि मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, कमेंटेटर भी हूँ, स्पोर्ट्स मैन भी हूँ, क्रिकेट खेलता रहा हूँ। रमज़ान जानी साहब हमारे पास बैठे हैं, ये हमारे लंगोटिए हैं, हमारे साथ ये क्रिकेट खेलते रहे हैं, लेकिन जब से ये टेप बॉल की क्रिकेट आई है तो रमज़ान जानी साहब ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। बेसिकली ये रमज़ान जानी साहब जो हैं हार्ड बॉल के प्लेयर हैं, तो ठीक है ये टेप बॉल की जो क्रिकेट है ये प्लेयर के साथ मेरे ख्याल में रिजवान साहब बहुत बड़ी चीटिंग है, आप इससे कुछ नहीं ले सकते। एक तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो मेरिट है वो ख़त्म हो जाता है टेप बॉल की क्रिकेट से। फिर आपके पास, अगर आप कहते हैं ना कि हमारे पास डिलीवरियाँ आ जाए टेप बॉल खेल कर, फिर आपके पास डिलीवरियाँ नहीं आ सकती। हार्ड बॉल के लिए मेरिट होना ज़रूरी है, आप स्टंप पर गिरी बॉल को आप मिड विकेट की जानब नहीं खेल सकते, आपको डर है, आपके जहन में डर रही है कि कहीं बॉल ना लग जाए, आप हार्ड बॉल की बॉल को वहाँ भी खेलेंगे जहाँ पे वो बॉल आएगी। लेकिन टेप बॉल की क्रिकेट है उसने हमारी चिश्तियाँ की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया है। हमारी चिश्तियाँ में बहुत ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है, अभी तक बहुत ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है, लेकिन आप ये क्रिकेट जो है टेप बॉल की क्रिकेट, मैं इससे एग्री नहीं हूँ क्योंकि ये टेप बॉल की क्रिकेट जस्ट इन्जॉय के लिए, टाइम पास करने के लिए। अगर आप कहें कि मैं टेप बॉल की क्रिकेट खेलूँ फिर मैं पाकिस्तानी कौमी टीम की ये सोच रखूँ तो मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल। और भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इससे रिलेटेड ही एक सवाल मेरे माइंड में अभी बैठे बैठे आया है कि जो क्रिकेट आप टेप बॉल कह रहे हो ये तो जस्ट फन के लिए, ना इसमें स्टेमिना चेक हो सकता है, ना इसमें एक रिदम चेक हो सकता है, ना ही आप इतनी कैपेबिलिटी रख सकते हो और ना ही आप खुद को मॉडिफाई कर सकते हो। यानी मैं इसी रिलेटेड सवाल करूँगा आपसे
लेदर बॉल और टेप बॉल दो, इनमें इतना गैप है जिससे ज़मीन और आसमान में। तो आजकल तो टेप बॉल चल रहा है, ट्रेंड है, दो तीन क्लब रह गए हैं, लेकिन लेदर बॉल में भी हमारे चिश्तिया में बहुत सारे खूबसूरत और बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर गुजरे हैं, जैसा कि सफ़ी सरफराज, ठीक है, उसके बाद एक मोहम्मद अली होता था जी, जी। उसके बाद अली आबद लड़का, वो भी उसके बाद टैलेंट है, लेकिन अपॉर्चुनिटियाँ बहावलनगर लेवल जाते हैं, खेलते हैं, बहावलपुर जाते हैं, इवन के पूरे बहावलपुर डिवीजन से कभी एक लड़का पाकिस्तान लेवल नहीं खेला, इसके बारे में क्या कहें? इसकी सबसे बड़ी वजूहत तो ये है जो हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, एक तो हमारा इलाका बैकवर्ड है, दूसरे नंबर पे जो हमारा टैलेंट है वो इसलिए ज़ाया हो जाता है कि हमें वो स्कोप नहीं मिलता जो हमारे जो अपर सिटी के लड़कों को मिलता है। जब भावलपुर में हमारा लड़का जाता है तो उसके साथ भी जो सलूक नारवा होता है वो किसी से डका छुपा नहीं है। जहद हयात, गगन, फरूक अंकल, ये हमारे यानी संगे मेल की हैसियत रखते थे क्रिकेट की दुनिया में। इन्होंने जब हमें इंट्रोड्यूस करवाया तो बदकिस्मती से जब मेरिट की बात होती थी तो भावलपुर में जब सिलेक्शन होती थी तो वहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड होते थे, हमारा जो टैलेंट था वो ज़ाया हो जाता था। सीनियर, मोस्ट सीनियर प्लेयर जी, जी बहुत जी। अच्छे स्पिनर बॉलर रहे हैं जी जी जी, तो मैं भी खेला हूँ उनको, मुझे ये क्रेडिट हासिल है, बिल्कुल बिल्कुल, एक आधा मैच मैं उनको खेला हूँ। हाँ, माशाल्लाह, ये जो नाम लिया है असगर गारंट साहब, मैं इनका फैन हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, डिलीवरी थी इनके पास, अपना एक वर्चुअल स्टाइल था जिससे जो था बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। हाँ जी, बाबर शहजाद गोल के लिए मैं ना आपको इंटरटेनमेंट शेयर दे रहा हूँ जी, कि वो आए हमारे घर में चिराग बुझाकर चले गए, जो तेल बाकी बचा सर को लगा कर चले गए। कमाल कमाल, कितने थे आप गया करो सरकार, जिते जाते हो लंबा ही आंदा जदा डा कादा, यकीन कर लो तोड़ा शरई शरई तो पुठो पुठवा मुंह है तोड़ा। आप सब जानते हैं कि अली टीवी सलाला का जो कमेंटेटर हूं मैं जब कोई जुगत मारता हूं तो रिजवान भाई ऐसे हंसी जो रिजवान भाई को आती है कि जैसे मैं कैश हो रहा हूं, तो रिजवान भाई आपने ठीक कहा है कि मेरे जैसे को भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। तो इसका भी है जो वो कलर का साइड इफेक्ट है जी, लोग जो हैं कहते हैं जी इसने क्या, ये तो नहाता नहीं है, ये उसको साबुन नहीं देते, इसको वोट क्या देंगे जिसको दुकानदार साबुन नहीं देता, अगर वो कंपनी वाला देख ले तो वो बैन कर देता है कि ये ऐसे आदमी को आपने साबुन नहीं देनी। नहीं, लेक्स वाली कंपनी ने आप पे कंप्लेंट नहीं की हुई, उन्होंने आप पे केस नहीं किया हुआ सर। उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया था, मोटरसाइकिल के साथ उसका मेरा टकराव। ओरिजिनल बात बताएं, आप लेक्स के साथ ना आए हैं, लेक्स के साबुन की कंपनी ने कहा कि ये बैन होगी अब पूरे पाकिस्तान में। सर वो कोई और मामला था, वो ये डाल रहे हैं मेरे ऊपर, वो मेरे ऊपर ये डाल रहे हैं। पिछले दिनों आप मेरी बात सुने, पिछले दिनों वो स्विमिंग पूल पे मैं नहा रहा था, उन्होंने जो प्रोपेगंडा मेरे साथ किया, स्विमिंग पूल नहीं था वो, जो ही है वो पानी वाला, जो मेरी बात, ये जो हमारे ग्राउंड में नूरपुरा ग्राउंड रेलवे ग्राउंड में पानी इकट्ठा हुआ है, आप उसके पास बैठ के ये माइंड में सोच रहे थे कि ये स्विमिंग पूल है। आप देख रहे लोगों का ये हाल है, वो ही पानी की बात। पाक हवा वर्गा साडे पिंड ने जांदे राह वर्गा, थोनू भुलिए भी ते किवें भुलिए यार, तू साडे आंदे जांदे साह वर्गा। सीधी गल दस दें, उर्दू तो हट गए मैं, ठीक तुम जिनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम भावा सद लो इत थाना ते मैं नहीं नहाना। तुसी जो कुछ खाना पलो खाना ते तुसी नहीं नहाना। ओ सर्फ ते साबण ते शैंपू मेरे कोलों भजदियां है। अच्छा जी, सर्फ ते साबण ते शैंपू मेरे कोलों भजदियां है, ते थोड़ा सिर इंज है जिवें दवाणा ते मैं नहीं। बाबर साहब थोड़ी मेहनत करो, तुसी कले ने कमाना। सामने पए ने छोले ते तुसी ने इनू जवाणा पर मैं नहीं नाणा। कमाल जी, कमाल बाबर साहब। माशाल्लाह, इस प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप, और वाइंड अप करते हुए तमाम जो हमारे मोहतरम नाजरीन हैं, हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, स्पेशली चिश्तिया वालों की सपोर्ट चाहिए। यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला जो सोशल अवेयरनेस है वो भी आप तक पहुँचाएंगे, चिश्तिया का टैलेंट भी पहुँचाएंगे, चिश्तिया की सियासत भी पहुँचाएंगे, और चिश्तिया के मिसाइल भी पहुँचाएंगे। जली साहब भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आगा साहब भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और बाबर साहब तो हमारे साथ इंशाल्लाह ताला जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मेरे इस चैनल को
प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।